Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is projection, that is a pi operator. It is the first operator in relational algebra. तो सबसे पहले हम इसका use देखते हैं कि what is the use of projection operator. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक table ली है जिसको हम relation भी बोल सकते हैं. अब सबसे पहले आपके mind में आ रहा होगा कि हम table क्यों ले रहे हैं यहाँ पे. Because we are talking about RDBMS. RDBMS means रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे हम डेटाबेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. उन डेटाबेस के टाइप्स में से हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? रिलेशनल डेटाबेस. ऑल दो मेरे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है, नेटवर्क डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस, मल्टीपल टाइप्स ऑफ इवन एंटिटी रिलेशनशिप डेटा, बट मैं यहाँ पर यूज़ क्या कर रहा हूँ? रिलेशनल डेटाबेस, जहाँ पे डेटा को हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टेबल को लिया हुआ है. अब सबसे पहले हम बात करें कि पाई ऑपरेटर का फंक्शन क्या है, मतलब व्हाट इट डज एक्चुअली. तो पाई ऑपरेटर का सबसे बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है? इट इज रिट्रीविंग द डेटा. डेटा रिट्रीविंग मतलब, जैसे यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी है, रिट्रीव द रोल नंबर फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट. मतलब जहाँ पे भी मेरे को कॉलम, किसी पर्टिकुलर कॉलम के डेटा को फेच करना है, एक या एक से ज़्यादा कॉलम भी हो सकते हैं, उस डेटा को फेच करना है, वहाँ पे मैं सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर यूज़ करूँगा? दैट इज़ अ प्रोजेक्शन. तो यहाँ पे अगर मेरे को रोल नंबर को फेच करना है, तो रोल नंबर को फेच करने के लिए हाउ वी राइट इन द रिलेशनल एल्जेब्रा, सबसे पहले मेरे को टेबल का नेम ब्रैकेट के अंदर नॉर्मल रिप्रेजेंट करना है. इस टेबल में से, इस स्टूडेंट टेबल में से क्या फेच करना है? रोल नंबर. तो रोल नंबर फेच करने के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे? पाई. और पाई मतलब प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट मतलब इस पूरे टेबल में से ये चीज़ अलग कर दो. और ये कौन सी चीज़? क्वेरी में क्या बोला हुआ है? रोल नंबर. तो मैं यहाँ पे इसके सबस्क्रिप्ट में क्या लिख देता हूँ? रोल नंबर. बहुत ही सिंपल है, देयर इज नथिंग कॉम्प्लेक्स इन दिस. तो लेकिन ये एक्चुअल में क्या है? बेस है. मतलब अगर आपको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता लग जाएगा, तो आप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को भी आगे हैंडल कर सकते हो. ऐसे ही अगर मैं इसका मतलब नेक्स्ट क्वेरी अगर लिखता हूँ, लाइक पाई रोल नंबर कॉमा नेम, टेबल का नेम स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए इस क्वेरी का मतलब क्या है, टेबल का नेम लिखा हुआ है और पाई ऑफ रोल नंबर कॉमा नेम, इसका मतलब क्या है? सिंपल सा, कि हम डेटाबेस में से, टेबल में से दो कॉलम को फेच कर रहे हैं, रोल नंबर एंड नेम. और जब इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे, ऑल दो इसको एग्जीक्यूट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर क्या बनी है? SQL, that is a structured query language. तो वहाँ पे हम एक्चुअल में देखेंगे कि क्वेरीज को कैसे लिखते हैं, और उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग वेज हैं उन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने में, और जो प्रॉपर रिजल्ट वहाँ पे शो करेंगे. लेकिन अगर हम इसको, इसका देखना चाहिए कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? सिंपल एक टेबल बन के आ जाएगा, रोल नंबर नेम, क्योंकि हमने दो कॉलम लिखे हैं, तो यानी दो कॉलम्स इसमें से बाहर आ जाएंगे, और इनका जो डेटा है वो एज इट इज 1 2 3 ए बी ए. सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी. और इस क्वेरी की आउटपुट क्या है? सिर्फ रोल नंबर वाला जो कॉलम है वो बाहर आ जाएगा, बाकी का डेटा जो है वो बैकएंड पे पड़ा ही हो. तो ये सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो क्वेरी, जो यूजर एक क्वेरी लिख रहा है, उस क्वेरी की आउटपुट आ रही है. इसका मतलब ये नहीं कि टेबल को हमने डिवाइड कर दिया, टेबल तो बैकएंड पे एज इट इज पड़ा है, ये सिर्फ उसको एज ए आउटपुट शो कर रहा है. जब आप क्वेरी हटा दोगे तो ये डेटा भी अपने आप वहां से आउटपुट भी रिमूव हो जाएगी. यहां पर प्रोजेक्शन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोजेक्शन हमेशा काम करता है डिस्टिंक्ट फॉर्मेट में. डिस्टिंक्ट मतलब क्या? कि अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट रोल नंबर लिखा, तो रोल नंबर में देखो डेटा क्या है, रोल नंबर में 1 2 3, तो ये आउटपुट क्या देगा? ऐसे रोल नंबर 1 2 3 टेबुलर फॉर्म में ही देगा, क्योंकि जब हम डेटा RDBMS की बात करें तो आउटपुट भी मेरी टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से आएगी. लेकिन अगर मैं पाई ऑफ नेम करता हूँ, पाई ऑफ नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, सिर्फ स्टूडेंट के नेम को रिट्रीव कर रहा हूं, प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तब मेरी आउटपुट क्या आएगी? तब मेरी आउटपुट आएगी ए बी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, बिकॉज प्रोजेक्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट यूनिक आंसर देगा, ये कभी भी डुप्लीकेट डेटा का आंसर नहीं दिखाएगा. मतलब अगर मैं स्टूडेंट में से सिर्फ नेम निकाल रहा हूं, मतलब नेम वाला कॉलम फेच कर रहा हूं, तो आउटपुट क्या आएगी? ए बी. लेकिन यहां पर तो तीन रोज है,
रो 1, 2, 3, रो में डेटा क्या है, ए बी ए, लेकिन ए ए तो सेम है ना, तो इसीलिए आउटपुट क्या दे रहा है, ए बी। लेकिन जब हम रोल नंबर को निकाल रहे हैं सिर्फ, उस टाइम पे मेरी आउटपुट क्या आ रही है, 1, 2, 3। ऑब्वियसली 1, 2, 3 यूनिक नंबर्स हैं तीनों, तो आउटपुट मेरी 3 आएगी। और यहाँ पे अगर मैं रोल नंबर और नेम दोनों को फैच करूँ, अगर आपके माइंड में आए कि सर हम रोल नंबर और नेम दोनों को फैच करें तो फिर क्या होगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1A है और ये 3A है, मतलब ये दोनों रोज अलग है, यूनिक है, ये डुप्लीकेट नहीं है। लेकिन अगर मैं सिर्फ अकेला नेम निकालता हूँ, यस इट इज़ अ डुप्लीकेसी, तो इस डुप्लीकेसी को ये शो नहीं करेगा, सिर्फ ए बी, मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी दिखाएगा आउटपुट में, 2। सो दिस इज द हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, प्रोजेक्शन जो है वो इस तरीके से काम करता है। और एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ, जनरली जब भी आपको क्वेरी लिखने को आती है, प्रोजेक्शन हमेशा हम लास्ट में लिखते हैं, उससे पहले हम अदर ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, वो हम बाद में जब क्वेरीज, क्योंकि यहाँ पे तो हम सिर्फ एक बेसिक से एग्जांपल देख रहे हैं प्रोजेक्शन का, जब हम आगे कॉम्प्लेक्स क्वेरीज देखेंगे तब आपको मैं बताऊँगा कि प्रोजेक्शन एक्चुअल में हम यूज़ किस लेवल पे, मतलब कब यूज़ करते हैं, बिल्कुल लास्ट में यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोजेक्शन। थैंक यू।